अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि हमें SPF लगाना बताएं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी SPF आप कैसे लगा सकते हो मेकअप से पहले, मेकअप से बाद में। दो तरीके बताऊंगी, ठीक है? बहुत यूज़फुल है, वीडियो पूरी देखिएगा। हमारे यहाँ ख़वातीन क्या करती हैं, सन ब्लॉक नहीं लगाती, SPF नहीं लगाती, उनको जो है वो सन बर्न हो जाता है, छाइयाँ ब्लेमिशेस हो जाते हैं, जो कि क्योर करना बाद में बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना कि इलाज से एहतियात बेहतर, तो आप लोगों ने सब ने एहतियात करनी है, सन ब्लॉक यूज़ करना है, चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे आप घर के बाहर हो, चाहे आप टीनएजर हो, चाहे आप 50+ हो, सन ब्लॉक सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो वीडियो पसंद आए तो क्या करना है वो तो आप लोगों को पता ही है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है ताकि बहुत सारी बहनों को पता लग सके कि सनब्लॉक कितना इंपॉर्टेंट है डेली यूज के लिए। चले तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा भाई, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सनब्लॉक और सनस्क्रीन में फर्क क्या है, ठीक है? सनब्लॉक बेसिकली क्या होता है? सनब्लॉक जब आप अपनी स्किन पर अप्लाई करते हो तो जो रेज होती है, सन रेज, डैमेजिंग रेज, सनब्लॉक उन रेज को हिट नहीं होने देता आपकी स्किन पे, ठीक है? समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? सनब्लॉक जब आप अप्लाई करते हो अपने स्किन पे तो जो सन रेज होती हैं वो आपके स्किन से हिट नहीं हो सकती। अब सनस्क्रीन जो है जब आप अप्लाई करते हो, चाहे वो UVA रेज हो, UVB रेज हो, वो आपकी स्किन से हिट होके नॉन डैमेजिंग लाइट वेव्स ऑफ लाइट बनती हैं या हीट बनती हैं। नॉन डैमेजिंग, ठीक है, हिट होती हैं लेकिन वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? सोचे ना, इस तरफ सनब्लॉक लगा है, इस तरफ सनस्क्रीन लगा है, यहाँ लाइट हिट होगी, वापस रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, यहाँ जो है लाइट हिट होगी नॉन डैमेजिंग लाइट वेव में, फॉर्म मतलब जो उसका फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा या तो लाइट में या तो हीट में, और आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा, नॉन डैमेजिंग, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। तो सन ब्लॉक भी ठीक है, सनस्क्रीन भी ठीक है, डिपेंड्स के आप क्या यूज करना चाहते हो, ठीक है? हो गई बात, समझ आ गई? आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं? आपने कोई भी सन ब्लॉक ले लेना है, मेरे पास है यहाँ स्पाइना बॉटल का सन ब्लॉक, ठीक है, जो आपको UVA और UVB से प्रोटेक्ट रखता है, इसमें SPF भी है। आप डर्मोलॉजिका का भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है, वो भी नहीं है तो ये भी यूज कर सकते हो। रिवाज वाला बहुत चिप चिप है भाई, आई डोंट लाइक इट। ये वाला जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है इन योर स्किन, इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है, पहले ही बता दो। एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से, चिप चिप नहीं होता, पसीना ज्यादा नहीं आता। इसको अप्लाई करने का तरीका है कि आपने अपनी स्किन केयर रूटीन कर लेनी है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कीप इट मिनिमल, मतलब कि थोड़ा फेस वॉश करें, टोनर अप्लाई करें, ठीक है? सीरम अप्लाई करते हैं या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप, योर नीड। लेकिन फिर उसके बाद अगर आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है तो आप उसे स्किप कर दें, बिकॉज बहुत हैवी हो जाना है एंड यू विल फील वेरी अनकंफर्टेबल। तो फिर आप सनब्लॉक यूज करें। इसको यूज करने का तरीका ये है, 2-finger टेक्निक आजकल निकली है कि आपने फुल 2 उंगलियां भर के लेनी है, उसको इवनली डॉट 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 करके अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर दें। पहले स्प्रेड कर लें, नेक पे भी स्प्रेड कर दें, जो सन एक्सपोज्ड, मतलब जो जो एरिया एक्सपोज्ड है, ठीक है, आपको लग रहा है कि सन रेज पड़ेंगी यहाँ पे, तो वहाँ वहाँ सन ब्लॉक अप्लाई कर लें, फिर जेंटली मसाज करके इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें, अपने फेस पे भी और अपने नेक पे भी। फिर इसके ऊपर अगर आपने कोई मेकअप वगैरह करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर मूड, अगर नहीं करना टेंट अप्लाई कर लें, वही लिपस्टिक अप्लाई कर लें और मुस्कान है, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, ठीक है? अब बात आती है कि मेकअप के ऊपर किस तरह से किया जाए सन ब्लॉक को अप्लाई, ये बड़ा ट्रिकी है ना, राइट? आपने सोचा होगा भाई निशु ने बोल दिया मेकअप के ऊपर कैसे करें, मैं आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप अपना मेकअप फिनिश कर लोगे, 2-3 घंटे गुजर जाएंगे और आपको ख्याल आएगा कि मुझे फिर से SPF अप्लाई करना चाहिए, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो आपने अपने स्किन को टिश्यू से, ठीक है, टिश्यू से साफ करना है, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पसीना आया हुआ होता है उसको सुखा देना है, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ फेस पाउडर जिसमें हो SPF। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पे टॉप फेस का स्किन एडिटर मैट फिनिशिंग पाउडर जिसमें है SPF 15, और ये अंदर से दिखता कुछ इस तरह से है। आपने क्या करना है, इसके साथ जो ये स्पंज दिया गया हो इसकी मदद से आपने इसको स्लाइटली इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है, प्रोडक्ट आ जाए स्पंज में, आपने हल्का हल्का इसको इस तरह से प्रेस करना है ऑन योर स्किन।
ये एक तरीका है कि आप अपने मेकअप के ऊपर जो है वो सन ब्लॉक अप्लाई कर सकते हो, अपनी स्किन को मेकअप के साथ भी प्रोटेक्ट रख सकते हो सन रेज से। अब और भी बहुत सारे कॉम्पैक्ट पाउडर्स हैं जिसमें SPF मौजूद होता है, फाउंडेशंस होते हैं जिसमें SPF मौजूद होता है, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे ये रिमेल जिसमें है SPF 20 ऑलमोस्ट फिनिश्ड। इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें है SPF मौजूद। लेट मी सी, चलो फिर कभी दिखाऊंगी पाकिस्तानी ब्रांड्स जिसमें है SPF। ठीक है, फाउंडेशंस हो गई या कॉम्पैक्ट पाउडर्स हो गए, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि कौन कौन से प्रोडक्ट में SPF मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गया। आजकल जो है ना SPF वाली सेटिंग स्प्रेज हो गई या सनब्लॉक वगैरह सनस्क्रीन जो है वो मिस्ट फॉर्म में भी आ रही है, जिसको आप डायरेक्ट अपनी स्किन पर स्प्रे कर सकते हो। मेरे पास एक दो बॉडी मिस्ट भी पड़ी हुई है सन ब्लॉक वाली, एक है म्यूसिन की, दोनों म्यूसिन की है मेरे ख्याल से, जी दोनों म्यूसिन की है। उसको आप डायरेक्टली मिस्ट कर सकते हो बच्चों के बॉडी के ऊपर, क्योंकि बच्चे आजकल बाहर खेलते हैं ना, वो दोनों मैं आपको दिखाती हूँ बेहतरीन है। मैं एक खत्म कर चुकी हूँ, दो मैंने और ऑर्डर कराई है, वो जो है वो मिरर के पास पड़ी हुई। बच्चे जब भी बाहर जाते हैं वो अपने हाथों पे गर्दन पे जो है वो मिस्ट करके बाहर जाते हैं, सुपर इजी, बहुत जल्दी से वो एब्जॉर्ब हो जाती है और उसका कोई वाइट कास्ट नहीं है। मतलब कि आप मुतमाइन रहें कि आपके बच्चे जो है थ्रू आउट अगर बाहर भी खेलते हैं तो वो सन रेज से बचे रहेंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड वेट करें, मैं लेकर आती हूँ। जी जनाब, तो आ गई मैं वापस। ठीक है, तो ये हैं दोनों परफ्यूम्स म्यूसिन की, परफ्यूम्स इन अ सेंस के दोनों हैं सनब्लॉक, एक है बॉडी मिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसमें है SPF 100, जितना ज़्यादा SPF होगा उतनी ज़्यादा सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें है 100 एंड इसमें भी है SPF 100। दोनों के नाम जो है वो है म्यूसिन V10 स्किन हाइड्रा मॉइस्चराइजिंग सन डिफेंस स्प्रे। ये दिखता कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये वाला जो है कहलाता है म्यूसिन V9 कैरिस्मेटिक वुमेन मिरेकल वाइटनिंग फेशियल एंड डिफेंस स्प्रे। ये दिखता कुछ इस तरह से है। ये हिबा की है और ये अदन की है। ठीक है, आप देख सकते हो पिंक ऑब्वियसली। अच्छा, तो इसको यूज़ करने का इतना कोई इजी तरीका है ना कि आपने बस इसको शेक करना है। ठीक है, यूं करना है, दूर से जब आप करते हो ना तो आप इसको स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, करीब से मैं आपको सिर्फ अभी फ़िलहाल दिखा रही हूँ, दूर से जो है ना वो ऐसे है। ठीक है, ये देखिए, आपने सिर्फ इसको जो है वो ब्लेंड करना होता है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही वाटरी टाइप की है, मतलब चिप चिप बिल्कुल फील नहीं होता, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये भी। ठीक है, फेस के लिए ये, बॉडी के लिए म्यूसिन वाली। ठीक है, ये वाली भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ज़रा करीब से दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए कंसिस्टेंसी देख लें इसकी, बिल्कुल वाटर फॉर्म में है। जैसे ही आप इसको यूं करोगे नो वाइट कास्ट, इतने मज़े से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे आप पानी को ब्लेंड कर रहे हो अपनी बॉडी के ऊपर। इवन यू कैन यूज़ इट फॉर योर सेल्फ, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है। सो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से सन ब्लॉक को अप्लाई करना है, फाउंडेशन से पहले, मतलब मेकअप से पहले और मेकअप से बाद में। आप इन स्प्रे को मेकअप के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये मत ट्राई करिएगा। लेकिन बॉडी शॉप की एक स्प्रे आती है सन ब्लॉक वाली, उसको आप मेकअप के ऊपर भी कर सकते हो, और जो गज़ब का ग्लो देती है ना मैं आपको बता नहीं सकती, उसकी मैं पिक्चर यहाँ पे लगा लूँगी आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, थोड़ा बहुत ज्ञान इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा आप लोगों को। सो जिंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।